हेलो एवरीवन, आई एम नीलम। वेलकम टू माता मोहंदी ओसवाल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू कैन गेट नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्वीक्स चैप्टर नंबर 3, द स्टेट गवर्नमेंट। सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टेट लेजिस्लेचर। देयर आर टू हाउसेज। स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ सम स्टेट्स हैव टू हाउसेज, वेल इन अदर्स देयर इज ओनली वन हाउस। कुछ राज्यों के विधानमंडलों में दो सदन हैं तथा अन्य में केवल एक ही सदन है। द लोअर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असम्बली एंड अपर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो द्विसदनीय विधानमंडल में निम्न सदन को विधानसभा तथा उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। इन द स्टेट्स Where there is one house is called legislative assembly। एक सदनीय विधानमंडल में केवल विधानसभा होती है। And the second point is legislative assembly means विधानसभा। The maximum number of members of legislative assembly is 500, for minimum number is 60। विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या आधार पर अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इज 25 years और मोर। ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट। इट्स टर्म इज 5 years। तो चुनाव के लिए योग्यताएं 25 वर्ष या इससे अधिक आयु तथा लाभप्रद पद पर वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए और उसका कार्यकाल 5 वर्ष है। एंड द थर्ड पॉइंट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 2 years। तो राज्य की उच्च तथा स्थायी सदन इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। द टर्म ऑफ मेंबर्स इज 6 years। इसके मेंबर्स का समय 5 वर्ष होता है। तो 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, 1 more बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड काउंसिल्स, 1/12 बाय मेन ऑफ ग्रेजुएट्स एंड अदर 1/12 बाय द टीचर्स ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉमिनेट बाय गवर्नर्स। तो इसके 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा, 1/3 नगर पालिकाओं द्वारा तथा परिषदों द्वारा, 12वां भाग स्नातकों द्वारा तथा एक अन्य 12वां भाग स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के द्वारा चुना जाता है। शेष सदन राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मीन्स इसके शेष जो सदस्य होते हैं वह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव मीन्स राज्य कार्यपालिका। गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद इसके अधीन होते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज गवर्नर मीन्स राज्यपाल। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई द प्रेजिडेंट फॉर 5 years। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट आर टेकन इन हिज नेम, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज पावर्स आर एक्सरसाइज बाई द चीफ मिनिस्टर्स। ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। मीन्स राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में नियत है, परंतु उनका वास्तविक उपयोग मुख्यमंत्री करता है। ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। एनी बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बिकम्स लॉ ओनली आफ्टर इट हैज़ बीन साइंड बाय गवर्नर। ही कैन ऑल्सो इज इश्यू ऑर्डिनेंस इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव। ही ऑल्सो एंजॉयज सम एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो राज्यपाल इसकी वास्तविक शक्तियाँ जो है वो उनका प्रयोग, राज्यपाल की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। सारी महत्वपूर्ण शक्तियाँ राज्यपाल के नाम पर की जाती हैं और राज्यपाल के
हस्ताक्षर के पश्चात ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है, वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है, इसके पास स्वयं विवेक की शक्तियाँ भी है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एमरजेंसी इन द स्टेट। इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी इन द स्टेट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑन हिज डिस्क्रिशन। राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर वहाँ की संविधानिक आपातकाल की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, और इस अवधि में राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है। एंड द सेवन्थ पॉइंट इज चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मीन्स मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। गवर्नर अपॉइंट्स लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज चीफ मिनिस्टर्स। ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। मीन्स मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, और उसकी सिफारिश से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एंड द एट्थ पॉइंट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय। इन एवरी स्टेट देयर इज वन हाई कोर्ट। सम टाइम टू और मोर देन टू स्टेट्स कैन हैव ज्वाइंटली वन हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य के शिखर पर उच्च न्यायालय होता है। कभी कभी दो या दो से अधिक राज्यों का साझा उच्च न्यायालय भी हो सकता है। एंड द नाइन्थ पॉइंट इज यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, मीन्स उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ओरिजिनल अपेलेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूरिडिक्शन, मीन्स आरंभिक अपील संबंधी तथा प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। एंड द टेंथ पॉइंट इज ओरिजिनल यूरिडिक्शन। एनी केस रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली द हाई कोर्ट, मीन्स आरंभिक क्षेत्राधिकार में इसमें संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। एंड द एलेवेंथ पॉइंट इज अपेलेंट यूरिडिक्शन। हाई कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट इन मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड क्रिमिनल केसेस। तो अपील संबंधी क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना आता है। एंड द ट्वेल्थ पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव यूरिडिक्शन। द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द लोअर हाउसेस इन इट्स यूरिडिक्शन। इसमें प्रशासकीय क्षेत्राधिकार, और इस क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है तथा उन पर कड़ा नियंत्रण रखता है। एंड द 13 पॉइंट इज सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय हाई कोर्ट। दीज इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट मींस अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जिसमें जिले के न्यायालय तथा इससे नीचे के न्यायालय शामिल है।